एक्चुअली ठाणा मध्ये भरपूर वर्ष मिसळ आहे पण मी ह्याचा एकदम फेवरेट मिसळ आहे. मुझे पोहा और तरी पोहा पसंद है. एक 5:30 का है और 1:30 तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं. पूरा चीज़ खूब चांगली है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मुंबई वॉकर्स. आज मैं आई हूँ गावरान चूल्हे पे बना हुआ मिसल खाने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. बना हुआ और वो भी घर जैसा स्वाद वाला मिसल खाने के लिए आप ठाणे माझीवाड़ा जंक्शन पे आ जाइए. जो चूल्हे पे बनता है मिसल, इनका बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट. दोस्तों मैंने मंगवाया है 1 प्लेट मिसल और 1 प्लेट तरी पोहा. चलिए दिखाती हूँ. तो ये 50 रुपीज़ का मिसल है 1 प्लेट, जिससे मुझे आया है 2 पाव और ये बाउल में मिसल. ये देखिए उसल और तरी दिया है. मटकी भी आप देख सकते हैं, शेव है. चलिए ट्राई करते हैं. ये जाएगा पहले नींबू और थोड़ा सा मैं प्याज डालूँगी. सच कहूँ घर जैसा टेस्ट, यम्मी लगता है. बहुत ही टेस्टी है, हल्की सी स्पाइसी है. जो प्याज का क्रंचीनेस आपको फील होता है, रियली वेरी नाइस. तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ करी पोहा. ये देखिए पोहा के ऊपर प्याज और धनिया शेव डाल के दिया है. इसके ऊपर मैं अभी डालूँगी नींबू. रियली यमी, माउथ वाटरिंग एंड रियली टेस्टी. बहुत ही मस्त है. मुंबई के लोग जो तरी पोहा खाने के लिए नागपुर जाते हैं, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको ठाणे में ही मिल रहा है, सीधा माझीवाड़ा जंक्शन पे चले आइए. आपको इधर गर्मा गर्म सर्व किया जाएगा. गर्मा गर्म मिसल और तरी पोहा पेट भर खाने के बाद गुड़ की चाय तो बनता ही है. अदरक गुड़ से बना हुआ गर्म गर्म चाय. चलिए देखते हैं. बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है. इसका कंपैरिजन में कोई चाय हो ही नहीं सकती. एक नंबर है. गुड मॉर्निंग दादा, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष अग्रे. तो दादा, पूरे ठाणे माझीवाड़ा में आपका गावरान मिसल बहुत ही फेमस है. इसका प्रेरणा आपको कैसे मिला? इसका प्रेरणा है कि अपन जब कोई रेस्टोरेंट में जाता है या कोई स्नैक खाते हैं तो जाहिर सी बात थोड़ा सा इडली मेंदूवड़ा की तरफ ही जाता है. मिसल ऐसा उस टाइप का तीखा और स्पाइसी और बहुत ही अच्छा मिलता नहीं, तो हमने सोचा कि मिसल बनाया जाए. मिसल कुछ अलग होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये चूल्हे पे बना रहे हैं. ये मुंबई शहर में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई चूल्हे पे बना रहे. आपने कितने साल से स्टॉल ओपन किया है? हमको अभी 6 साल हो गए यहाँ पे. 6 साल? हाँ. और शुरुआत आपने किस से शुरू किया था? शुरुआत तो बहुत छोटे पैमाने पे किया था, छोटी शुरुआत थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते कारवा बढ़ते गया और लोगों का प्यार है, लोगों ने
टेस्ट को बहुत ऊंचाई पे लेके गया और उनको पसंद में आ गया। तो आज जोमेटो स्विगी पे भी हमारा 4.7 रेटिंग है और गूगल में भी बहुत अच्छे रेटिंग है। संडे सैटरडे संडे लोग ग्रुप में आते हैं खाने के लिए। तो मिसल के अलावा आपके स्टॉल में और क्या मिलता है? मेरे यहाँ पे पोहा, रस्सा तरी पोहा मिलता है और एक कुछ अलग चाय होती है गुड़ की, जो उसमें लेमन ग्रास टी आता है और अदरक और गुड़, जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है उसके चाय बनाते हैं हम लोग। तो ज़्यादातर ज़्यादा लोग आपके स्टॉल तक पहुँचे, आपका स्टॉल का एड्रेस और टाइमिंग बताइए। मेरा स्टॉल का टाइमिंग है मॉर्निंग में 5:30 का है और 1:30 तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं और माजीवड़ा ट्रैफिक की पुलिस चौकी है उसके बाजू में मेरा स्टॉल है। और सबसे पहले हमारे कोई शाखा नहीं है, गौरान एक हमारा यही पे स्टॉल है, बहुत से लोग उसका नाम यूज़ करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे पाते, नाम तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे पाते बस। थैंक यू दादा। तो दोस्तों इनका कोई भी ब्रांच नहीं है, आपको चूल्हे पे बना हुआ गावरान मिसल खाने के लिए इधर ही आना पड़ेगा, नोट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम? रोहन पालशेटकर। आप इधर कितने साल से मिसल खाने के लिए आ रहे हैं? हम लोग वैसे रेगुलर आते हैं तो आज तो फ्रेंड्स के साथ आए हैं। तो इधर आपको क्या पसंद है? मुझे पोहा और तरी पोहा पसंद है इनका। तो इनका क्या है जो आपको इधर चीज लेके आता है खाने के लिए? टेस्ट। तो दोस्तों देखते हैं इधर का जो मिसल है टेस्ट की वजह से लोगों को खींच के लेके आता है इधर का मिसल ट्राई करने के लिए। बाळा तुझं नाव? जानवी। जानवी, तुला इकडची मिसल कशी आवडते? मला आवडते की पावसोबत आणि तिखट आवडते। तिखट असते? आणि काय आवडते तुला इथे? पोहे आवडते। हो, पप्पासोबत तू एव्हरी वीकेंडला येते? हो। दादा तुमचं नाव? माझं दीपक शिंदे, नाही माझ्या दोन मुली आहेत। अरे वा, किती गोड मुली आहेत। दादा तुम्हाला इकडचे काय आवडतं? ॲक्च्युली ही गावरान मिसळ आहे, अतिशय टेस्टी आहे। ॲक्च्युली ठाण्यामध्ये भरपूर अशा मिसळ आहेत पण मी ह्याचा एकदम फेवरेट मिसळ खाण्यासाठी इथे येतो एव्हरी वीकेंडला। ह्याची कांदेपोहे ॲक्च्युली गुळाची चहा पण खूप चांगली आहे, गुळाची चहा खूपच चांगली आहे। तर एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा, ठीक आहे? थँक्यू सो मच। थँक्यू सो मच।